अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है कोरोना वायरस की वजह से, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए मुल्क के तमाम इदारे, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। इन्हीं इदारों में से एक इदारा है SIUT, और यहाँ पर कायम किया गया है कोरोना वायरस टेस्टिंग यूनिट। और ये किस तरह काम करता है और लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे आ जाए मेरे साथ डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो SIUT ने यहाँ पे ये यूनिट लगाया है कोरोना वायरस के हवाले से, तो ये 24 आवर्स है, और ये क्या क्या आप लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं, किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? जी, हमारा जो कोरोना स्क्रीनिंग क्लिनिक है, ये सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक फंक्शनिंग होता है। इसमें हम एक पूरा डिज़ाइन प्रोफार्मा है, जिसके थ्रू जो भी यहाँ पर टेस्ट कराने आ रहे हैं, किसी भी अलामत के साथ, बुखार, खांसी या नज़ला जो भी है, उसके साथ जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, हमारे पास उनका पूरा एक प्रोटोकॉल है। पहले स्क्रीनिंग, एक हमने प्रोफार्मा पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें मरीज़ों से उनकी तकलीफ़ का पूछा जाता है, और उसके बाद उनसे क्लोज़ हिस्ट्री ली जाती है कि कहाँ ट्रैवल किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, नेशनल ट्रैवल है, या उनके साथ उनका किसी ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना हुआ है जिसका कि कोई पॉजिटिव आया। अगर कोई पॉजिटिव टेस्टेड बंदा है जिसके साथ वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन करके हम उनको बता देते हैं कि भाई आपको टेस्ट की ज़रूरत है, तो उनका सैंपल लेते हैं। अगर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो उनको कहते हैं आप होम आइसोलेशन पे रहें, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहें, और 48 आवर में अगर तकलीफ़ होती है या बिगड़ते हैं, कोई अलामत आता है आपको कि मज़ीद तकलीफ़ हो रही है, तो फिर दोबारा रीअसेस करवा लें। इस तरह से ये पूरा स्क्रीनिंग क्लिनिक हमारा रन होता है। अच्छा, जो लोग बिलावजह आ रहे हैं, जो मतलब मौसम ही चेंज हुआ है तो लोगों को नज़ला खांसी हो रहा है, तो आप हम गाइड कर रहे हैं कि आप सिर्फ पेनाडोल लें, अपना घर पे रहें, गराड़े वराड़े कर सकते हैं, अपना गला साफ़ करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको गाइड कर देते हैं कि आप अपना ले सकते हैं, स्टीम का ही बोला जाए। जी, उनको गाइड कर देते हैं कि आप अपनी सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट लें, ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट। 310 नंबर है मेरा, यहाँ स्क्रीनिंग कराने के लिए बैठा हूँ, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि कैसा प्रोसेस होता है। लोग जो आ रहे हैं, जिनको शिकायत है, गला ख़राब है, खांसी है, छींकें वगैरह आ रही हैं, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हर बंदा डरा हुआ है, हर बंदे के जहन में ये है कि खुदा ना खास्ता मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप आएँ यहाँ पे, अपनी स्क्रीनिंग कराएँ। अगर आपको ये समझते हैं, आपकी डिटेल लेने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, ये आप कहीं बाहर ट्रैवल करके तो नहीं आए, तो अगर ये देखते हैं, समझते हैं कि हाँ आपको टेस्ट की ज़रूरत है, तो आगे फॉरवर्ड करते हैं, वरना फिर आपको कोई दवा वगैरह या कोई भी चीज़ सजेस्ट करके आपको यहाँ से रवाना कर देते हैं। ज़रूरत नहीं होती आगे टेस्ट की, तो मैं भी देखता हूँ, मैं भी स्क्रीनिंग कराता हूँ, आप भी देखिए ये सारा प्रोसेस कैसा होता है। और सबसे पहली बात कि घर पर रहें और सेफ रहें। ये स्क्रीनिंग के लिए सारी डिटेल्स दी जा रही हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, एज पूछी जा रही है, तो सारी डिटेल्स मैं मैडम को दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि फर्दर क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। ये सारी मेरी डिटेल्स इनके पास आ गई हैं, अब एक प्रिंट आउट आएगा जिसके अंदर डिटेल्स होंगी। ये प्रिंट आउट आ गया जेरा, ये सारी मेरी डिटेल्स हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्क्रीनिंग के लिए, दुआ करिएगा। मुझे बेसिकली फील हो रहा है गले में दर्द है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे? अभी मैंने भी यहाँ पे अपनी स्क्रीनिंग कराई, जो मामला थे, मेरे गले में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मैं भी टेस्ट कराता हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो असल में लोगों को आगाही देनी थी असल में। बेटा, ये है कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ वायरस है, अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही वैक्सीन है। सबसे ज़्यादा यही है कि खुद एहतियात करनी है। खुद एहतियात से मुराद जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि एक तो हैंड वॉशिंग, उसके बाद अपना आइसोलेशन, मीन्स आप सबने सब अपने अपने घरों में रहें, उसके बाद जो है अपना घर की भी सफाई साफ़ सुथरा रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेहतर फ्रूट्स या बेहतर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और जितना भी हो, जितने भी करीब भी हों, उनसे थोड़ा सा दूरी, चंद दिनों के लिए अगर दूरी इख्तियार करेंगे तो हमेशा बेहतरी रहेगी। अदरवाइज़ ये फैलने वाली चीज़ है, आपसे किसी और को लग सकती है, उसके साथ आपके बच्चों को लग सकती है, इसलिए एहतियात बेहतर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसका जो असल इलाज है वो एहतियात है। एहतियात है, फिलहाल यही है इसका, जितना एहतियात करेंगे उतना सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरा ये कि जैसे मैंने टेस्ट करवाया, अपने स्क्रीनिंग कराई, टेस्ट तो नहीं कराया, स्क्रीनिंग कराई मैंने अपनी, उन्होंने सारे मेरे वेंडल्स वगैरह सब चीज़ें ली और बताया कि आपको ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे गाय बगाए आए जा रहे हैं, जो जिसको बुखार है या जो नज़ल जुकाम है, लोग डरे हुए इतने हैं, वो आए जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से देखें? ये
जितने भी लोग आए उनके जहन में यह है कि हर एक जाकर वो अपनी वो कोरोना की जन टेस्ट करा लेगा। टेस्ट से मुराद ये है कि उनकी स्क्रीनिंग नहीं, बस प्रॉपर जो टेस्ट होता है इसी तरह का टेस्ट जाकर करा के आ जाए। ऐसा नहीं है, असल में इसके जो इंटरनेशनली जो यानी सिम्टम्स हैं या उसकी जो हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ पर हमारे देखा, हमारे यहाँ एवेल्यूशन होती है। एवेल्यूशन पहले आपको पर्ची बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी पूरी एंट्री होगी, उसके बाद एवेल्यूशन होती है। एवेल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके सिम्टम्स कौन से हैं और हिस्ट्री कौन सी है, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रैवल हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इस खत्ते में इंडिजीनियस यहाँ सी की ये पैदावार नहीं समझी जा रही, लेकिन ये हमें कम्युनिकेट हुई है कहीं और से, इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर किसी को बुखार, नज़ला और खुश्क खांसी और सांस की तकलीफ, ये चार जो सिम्टम्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से खुश्क खांसी और सांस की तकलीफ ये वो थर्ड इमरजेंसी में आती है, रेड जोन में आते हैं, उसको तो बिल्कुल टेस्ट न सिर्फ टेस्ट करना चाहिए बल्कि उसको एडमिट करना चाहिए। अगर हम इसी तरह सब लोगों का करने लग गए तो हमारे पास किट्स जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होती, ये बाहर से मंगानी पड़ती हैं और पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन की यानी वो स्क्रीन इसी तरह एहतियात करे, घर में रहे, और जो पॉजिटिव केसेस यानी जिसमें सस्पिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा शक है कि इनमें हो सकता है, तो उनकी एवेल्यूशन के बाद उनकी टेस्ट होनी चाहिए। हमने 18 तारीख से ये अपनी क्लिनिक शुरू की है और उसी वक्त से हम देख रहे हैं। एक दिन का लोगों ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थे एक दिन बंद हो गया, बंद नहीं हुआ था, एक्चुअली टेस्ट नहीं की थी। टेस्ट इसीलिए नहीं की थी कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया था उस क्राइटेरिया पर अगर कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी की टेस्ट करना भी ये आप डिप्रेशन फैलाने की बात है। अगर सिम्टम पे पेशेंट पूरा उतरता है तो हमारी ओपीडी है जो रन कर रही है, उनको हम ओपीडी के अंदर बुलाते हैं और फिर उनके टेस्ट करते हैं। कराची में भी आ रहे हैं और पंजाब में भी आ रहे हैं, इसलिए हमने अपने गुसलखाने बंद कर दिए हैं, अपने सर्दखाने भी बंद। हाँ माशाल्लाह 24 आवर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं आप लोग सारे। आप लोगों को सर सलाम है पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, कि आप लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप कॉल रिसीव कर रहे हैं तो किस तरह की ज़्यादातर कॉल्स आ रही हैं, क्या पेशेंट जो पेशेंट्स हैं वो क्या शिकायत कर रहे हैं? अमूमन जितने भी मरीज़ आ रहे हैं दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, काल पूछ रहे हैं, अमूमन सिम्टम प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सोर थ्रोट के साथ आ रहा है, कोई फीवर के साथ आ रहा है। हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की कि आउटसाइड की कोई ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है या नहीं है, या उनकी फैमिली मेम्बर से कोई बाहर से आया नहीं है, उसके हिसाब से हम डील करते हैं। अगर सिम्टम पे पेशेंट पूरा उतरता है तो हमारी ओपीडी है जो रन कर रही है, उनको हम ओपीडी के अंदर बुलाते हैं और फिर उनके टेस्ट करते हैं, उस हवाले से फिर हम उनको डील करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद जाकर फिर टेस्ट होता है, टेस्ट डायरेक्ट नहीं है जी? इस तरह नहीं होता, हमारा एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा के मुताबिक पेशेंट्स को सवाल जवाब किए जाते हैं। अगर उस सवाल जवाब पे वो पेशेंट पूरा उतरता है या उस प्रोफार्मा पे जो सिम्टम्स हैं उन पे पूरा उतरता है, उस हवाले से फिर टेस्ट किए जाते हैं। हर पेशेंट के टेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है। एक क्राइटेरिया होता है, उस पेशेंट उतरता है, उसके बाद हमारी एक टीम होती है पूरी, वो फॉलो करती है, उसके साथ में फिर टेस्ट किए जाते हैं। अगर मुस्बत आता है तो फिर उस साथ में हम डील करते हैं। कितनी कॉल आ जाती हैं, कितनी कॉल रिसीव करते हैं जी? काले तो बहुत ज़्यादा आती हैं, तकरीबन ये 8 बजे से थाउजेंड्स में आ जाती हैं, पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान से आती हैं हमें ना कॉल्स। पंजाब बलोचिस्तान से भी आ रही होती हैं, कभी कभी से भी आ रही होती हैं, अंदरून सिंध से बहुत ज़्यादा कॉल आ रही हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं होता बीमारी के बारे में, कोरोना वायरस है क्या। हम बिल्कुल तसल्ली के साथ उनको एक एक चीज़ गाइड करते हैं, प्रिकॉशंस क्या होती हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती है, टर्मोलॉजी क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। तमाम फोर्सेस अपना काम बेहतरीन तरीके से निभा रही हैं, वहीं सीनियर रेंजर्स भी अपना काम बेहतरीन तरीके से निभा रही है, चाहे वो कोरोना वायरस से बचाव की आगाही मुहिम हो या गरीबों में राशन की तकसीम, बेहतरीन तरीके से रेंजर्स के जवान अपना काम पेश करते हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे यानी कि आवाम के साथ हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो आप कमेटी के मेंबर भी हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, तो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? कोरोना इमरजेंसी फंड, कोरोना इमरजेंसी फंड की कमेटी बनी है, उसका मैं मेंबर हूँ। 5 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक डॉक्टर बारी साहब हैं और एक जो है वो मुश्ताक छापरा साहब हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, 5 लोग हैं। देखिए हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हस्पतालों को सिंध भर के जो इस इमरजेंसी में इक्विपमेंट चाहिए, सामान चाहिए, किट्स चाहिए,
वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोगों को हायर करना हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और पीडीएमए के लिए जो सामान चीज़ें चाहिए, जो हॉस्पिटल्स वगैरह, फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह जो बन रहे हैं उनको सामान और हेल्थ के से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं हम इनको फराहम कर रहे हैं, और मीटिंगें हो रही हैं वो हमें डिमांड पेश करते हैं, और इस हिसाब से हम इनको जो है वो पैसे फराहम करते हैं ताकि कुछ चीज़ें वो खुद ख़रीदें और कुछ चीज़ें हमारी एक्वायरिंग जो कमेटी बनी है वो लेती है। दूसरा ये कि लोग जो हैं इस वायरस को और ये जो अभी वबा फैली हुई है इसको बड़ा इजी ले रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो इतने हफड़ दफड़ मचाई हुई है, लोग घरों में नहीं बैठ रहे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सिंध की हालत बहुत बेहतर है, और जो पेशगी इकदाम किए गए हैं सिंध में लॉकडाउन के, इसके असरात जो हैं वो इसके असरात पॉजिटिव हैं, और लोगों को यकीनन भले तकलीफ़ हुई हो, इनके कारोबार जो हैं ख़राब हुए हों, जो मज़दूर तबका है उसकी परेशानी हुई हो, लेकिन हमारे यहाँ डेथ रेशो पंजाब के मुकाबले में इस वक्त बहुत कम है। पंजाब में इस वक्त सस्पेक्टेड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और जिनको पॉजिटिव तस्वीर किया जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि सिंध जो है वो निस्बतन बेहतर है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पंजाब की भी हालत बेहतर हो जाए। और किट्स अवेलेबल नहीं हैं, इनको सीरोलॉजी टेस्ट होता है जिसके रैपिड रिज़ल्ट आता है, इन पे जाना होगा, और गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इसको फौरी अलाव करें, और हमारी 40,000 किटें पाकिस्तान चाइना में पड़ी हुई हैं वो हमसे रबते में हैं, इसको जल्दी जो है वो लेकर आ जाएँ और ख़ुद भी जो है यही वाली सीरोलॉजी किट्स लें। इसी से जो है वो चाइना ने अपने आप इस कोरोना की जो वबा है उसका मुकाबला किया है, और उसके ज़रिए इन्होंने स्क्रीन करके पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट किया। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शक व शुबात रहेंगे और परेशानी रहेगी मरीज़ों को भी और उनके लवाइकिन को भी। सही, दूसरा है कि लवाइकिन से बात अख्त कर देंगे, जो आपने सरस खाने बंद किए हैं, जो गुसल खाने जो गुसल देते हैं मैयत को वो आपने बंद किए हैं, तो वो उसका ये इकदाम क्यों लिए? पूरे पाकिस्तान में बंद किए हैं वैसे आपने? पूरे पाकिस्तान में हमने गुसल खाने जो हैं वो मैयत गुसल खाने बंद कर दिए हैं, और हमने मैयत सर्द खाने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि कराची में दो दिन से जो सस्पेक्टेड पेशेंट और जो इवन पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको लोग जो है वो आके हमें ज़बरदस्ती कह रहे थे कि इनका गुसल दें ताकि इसकी हम तदफीन कर सकें। ऐसा नहीं होता, जो सस्पेक्टेड केसेज़ होते हैं और जो पॉजिटिव केसेज़ होते हैं उनका गुसल नहीं होता, उनके अपने कपड़ों में कफन पे लपेट के, प्लास्टिक कफन लपेट के इसके ऊपर जो है वो डिसइंफेक्शन जो है वो स्प्रे किया जाता है, और इनको डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाया जाता है। इसको कम्युनिटी में रखना या गैदरिंग में लेकर आना, इस मैयत को नुकसान पहुंचाना है आवाम को, तो इसलिए आप नमाज जनाजा भी जो है वो आप कब्र में बाद में पढ़ सकते हैं जब हालात बेहतर हों। अभी जो है वो उस मैयत को फौरी तौर पर दफन करें ताकि वो दीगर लोगों को जो इसको टच करने वाले हैं, और ख़ुदा के वास्ते आप गुसल देने वालों को मजबूर ना करें या झूठ बोल के भी, गलत बयानी करके भी आप इनको गुसल ना दिलवाएं। जो गुसल देगा ये बीमारी उसके घर में भी जाएगी और ये सोसाइटी से फिर नहीं निकलेगी। आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जो बिल्कुल? हमारे पास दो दिन से केसेस आ रहे हैं, कराची में भी आ रहे हैं और पंजाब में भी आ रहे हैं, इसलिए हमने अपने गुसल खाने बंद कर दिए हैं, अपने सर्द खाने भी बंद कर दिए हैं। लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी मैयतों को जो नॉर्मल हालात में मरती हैं, जो कोरोना की मैयतें नहीं हैं, वो अपने घरों में ही जो है वो गुसल का बंदोबस्त करें और उनको तदफीन के लिए ले जाएँ, लेकिन जो कोरोना की मैयतें हैं इवन सस्पेक्टेड ही हैं, भले उनका टेस्ट नहीं हुआ, अगर सस्पेक्टेड है और उसका इंतकाल हुआ है तो उसको गुसल ना दिलवाएं। आप जो है वो सोसाइटी में जो बेचारे गुसल देने वाले वर्कर्स हैं उनको आप ख़तरे में डाल रहे हैं, उनके ख़ानदानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। अब तो ये स्टडी आ गई है कि यंग लोग भी उतने इफ़ेक्ट होते हैं। पहले हम कह रहे थे कि बूढ़े इफ़ेक्ट होते हैं, बूढ़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन यंगर लॉट भी जो है डेथ जो हुई है यंगर लोगों की भी हुई है, तो इसलिए एवरीबडी हैज़ टू बी केयरफुल। शक हो रहा है क्योंकि कल भी रात को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, चेक करवाया था, उन्होंने कहा वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा भी टेम्परेचर महसूस हो रहा है। इटली देख लें, ईरान देख लें, अब अमेरिका भी देख लें, तो अब अगर अब भी ना समझेंगे तो फिर क्या, किस तरह समझाएं मकसद? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच पूरी कॉम की तरफ से कि आप लोग फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं और हम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं 24 घंटे। मतलब आप रात को 3 बजे भी रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं ये मुझे पता है, पर्सनली पता है कि आप 3 बजे 4 बजे आप लोगों की तरफ से रिकॉल भी आती है और बताया भी जाता है कि किस तरह से इसको मर्ज से बचा जाए। तो क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसको, क्या प्लानिंग है पूरी बेसिकली आप लोगों के साथ?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब से इसको पैंडेमिक कहा है, उससे पहले ही हमने तैयारियाँ शुरू की थी, क्योंकि हमारा अस्पताल जो है एक फोकल पॉइंट बनाया गया था। तो फोकल पॉइंट में हमने पहले ये काम किया कि एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई और हमने एक वार्ड को मुख्तस कर दिया कि पहले हम उधर 8 कमरे आइसोलेशन रूम्स बना देंगे जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन ग्रेजुअली हमें ये लगा कि शायद ये मर्ज जो है बहुत बढ़ जाएगा, और फिर हमने पूरा वार्ड ही मुख्तस कर दिया जिसमें 80 बेड्स हैं और 12 वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी है। और हमने तरीक़ाकार बना दिया कि डॉनिंग डॉफिंग कैसे करेंगे, स्टाफ को कर दिया वहाँ पर तैनात, और स्टाफ जो है हम रोटेशन में मूव करेंगे, 6-6 घंटे की ड्यूटी करेगा हर आदमी ताकि कोई भी स्ट्रेस आउट ना हो। स्टाफ के लिए हमने PPEs जो हैं, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स कहते हैं, वो हमने वहाँ पर मुहैया किए। इसी तरह हमने इमरजेंसी में भी स्टाफ के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दिया है, और N95 मास्क जिसकी ज़रूरत सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को होती है। और मैं फिर रिपीट करती हूँ कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़रूरत होती है, उनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो कुछ तरीक़ेकार हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, हमने बहुत सारे पैम्फलेट्स पब्लिश कराए अवेयरनेस देने के लिए, और लोगों को आगाही होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। सारा मसला हमारे हाथों का है कि हाथ जो हैं उनको हम अच्छी तरह साफ़ करें, आगे पीछे अंदर बाहर से, और अच्छी तरह हाथों को बार बार धोएं साबुन से 20 सेकंड के लिए। और अगर आप अस्पताल की सेटिंग में और वहाँ पर सैनिटाइज़र्स हों तो आप सैनिटाइज़र से भी अल्कोहल बेस्ड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पेशेंट्स आपके पास आए हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या मामलात हैं कि फ्यूचर में वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मरीज अपने घरों को भी गए हैं? इंशाल्लाह जी बिल्कुल, कुछ मरीज अपने घरों को चले गए और कुछ जो है हमारे पास हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और सब जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसमें से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो कि ऐसे क्रिटिकल हो, लेकिन अब क्योंकि एक से दूसरे को ट्रांसमिशन हो जाती है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इनको आइसोलेटेड रखें, ताकि इनको उस जगह में रखें जहाँ और दूसरे लोग ना आ जा सकें और ये उस जगह पर रहें। हमने पेशेंट्स के लिए टेलीविज़न वगैरह लगा दिया ताकि उनको ये मसला ना हो कि वो बिल्कुल लोनली ना हो जाएं और वो अपने टेलीफोन्स पे एक दूसरे से घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस वक्त सामाजिक फासला रखने की ज़रूरत है, अपने घरों पे रहिए, हुकूमत जो कह रही है उनके असूलों पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए क्योंकि इसी में हम सब की बका है। हुकूमत से बात आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है, जो चीज़ें हो रही हैं तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके क्या कहना है कि हुकूमत के कैसे इकदाम हैं? बिल्कुल जी, सिंध हुकूमत ने बड़े मजबूत इकदाम किए हैं। सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और रोज़ बरोज़ जो मीटिंग्स हो रही हैं टास्क फोर्स की और सीएम साहब के अंडर ही हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इकदाम किए हैं और इसी तरह करने चाहिए थे। हमने कुछ देर कर दी इस तरह के लॉकडाउंस करने में, मेरा ख्याल में बहुत अच्छा किया कि स्कूल्स बंद कर दिए, बच्चे जो हैं बड़ा ट्रांसमिशन करते हैं बीमारियों का एक से दूसरे को, चाहे खुद इफ़ेक्ट कम हो। और अब तो ये स्टडी आ गई है कि यंग लोग भी उतने इफेक्ट होते हैं, पहले हम कह रहे थे कि बूढ़े इफेक्ट होते हैं, बूढ़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन यंगर लॉट भी जो है डेथ जो हुई है यंगर लोगों की भी हुई है, तो इसलिए एवरीबॉडी हैज़ टू बी केयरफुल। तो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है कि अब 5 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें, तो ये आवाम समझ नहीं रही, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी, उसके बारे में क्या बताएंगी कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है? मैं फिर आवाम को कह रही हूँ कि अगर आपने इस मूजी मर्ज से बचना है और अपने घर वालों को महफूज कर रखना है तो फिर आप मेहरबानी करके अपने घरों पे रहें। हर छींक जो है COVID-19 नहीं होती, तो हर नज़ले ज़ुकाम के लिए भाग भाग के हस्पतालों में ना आएँ। अगर आपको लगता है कि आपको ज़ुकाम और खांसी हो रही है तो आप अपने हेल्थ केयर वर्कर से रुजू करें और अगर हेल्पलाइन के ऊपर रब्ता करें, और बार बिला ज़रूरत हस्पतालों में भी मत आएँ क्योंकि ये यहाँ से आप इन्फेक्शन कंट्राइव कर सकते हैं। आखिरी सवाल ये कि मौसम चेंज हुआ है, अभी गुजशत दिनों पहले बारिश भी हो गई, तो दिन में गर्मी है रात को सर्दी है, तो थोड़ा मौसम चेंज है, लोगों को नज़ला बुखार वगैरह हो रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को किस तरह एहतियात करें? देखिए ये वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, ये सीज़न है कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं हमेशा, जब मौसम बदल रहा होता है तो उस वक्त वायरल इन्फेक्शन होते हैं लोगों को, तो मेरा ख्याल में उसमें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्लू फीवर बुखार
किसी से कांटेक्ट में आए हों जिस जो कि ट्रैवल करके आए हों बाहर की हिस्ट्री और ट्रैवल की, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे आउटब्रेक हो या किसी को खुद COVID-19 हो, उनके साथ अगर आपका रबता हुआ हो तो फिर आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, वरना हर शख्स को हर चींक को तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। चक्कर बहुत आ रहे हैं और वीकनेस महसूस हो रही है, अव्वल तो सीने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ शक हो रहा है क्योंकि कल भी रात को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, चेक करवाया था उन्होंने कहा वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा भी टेम्परेचर महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है, तो मतलब चेक करवाने बजाय कि दूसरे भी बचे इससे एहतियात करें, मतलब जी एहतियात करें, इसका वाहिद हल एहतियात ही है, यही है, इसी वजह से आए कि अपनी फैमिली को भी बचाएं और दूसरों को भी। घर पे हैं आप या कहीं बार बार निकलते हैं? नहीं नहीं घर में ही होता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत ऐसी है लेने के लिए तो निकलना पड़ता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कि इस वजह से भाई एहतियात करना कि दूसरे भी बचे हमारी वजह से, अगर हमें अल्लाह ना करे अगर है तो। लेकिन ये जो आवाम बाहर घूम रही है एहतियात नहीं कर रही है दिन ब दिन, ये क्या कह सकते हैं लोगों का, अब यही ये हमारी हिफाजत के लिए ही तो कर रही है गवर्नमेंट, ये कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, जब जान पे आ जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या इन चीज़ों का, फिर आप करोगे तो क्या फ़ायदा, अभी आप पहले से ही एकदम उठा लो इन चीज़ों का तो ये बेहतर है ना भाई, हमारी जान के लिए ही तो है ये। टेस्ट करवाने आए थे आप कोरोना? जी हाँ चेक करवाने आया था लेबोरेटरी, तो उन्होंने बोला हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी स्क्रीनिंग हुई थी पहले? जी हाँ। स्क्रीनिंग में जरूरत महसूस नहीं हुई? नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। चलें अच्छी बात है, एहतियात करें, मतलब वही चीज़ें कि एहतियात करें। जी हाँ एहतियात ही करना। तो क्या वजह थी जो आप लोग यहाँ पे आए, कोई सिम्टम्स थे ऐसी चीज़? चार से पाँच दिन हो गए थे, मेरी वाइफ को फीवर था, टॉन्सिल्स थे, तो मैंने बोला चेक करवा लिया जाए, तो मैं साथ में इनको लाया हूँ तो खुद भी आया हूँ, दोनों का मैंने बोला चेक स्कैनिंग करवा लें, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मली आप घर पर रहें, जो टैबलेट डॉक्टर ने एडवाइस की है वही लें और कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे आज 5-6 दिन से बुखार हो रहा है काफ़ी ना, और खांसी वगैरह और गले में दर्द वगैरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से टैबलेट वगैरह ली थी, आराम नहीं आ रहा, कहा टेस्ट करवा के देखते हैं इस वजह से। अब स्क्रीनिंग हुई तो उन्होंने कहा टेस्ट की ज़रूरत नहीं? नहीं नहीं उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह मौसम की वजह से भी है, तो अगर आप एहतियात करें और अपने घर पर रहें, आपको बाहर जाना नहीं, लोग समझ नहीं रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह हमसे नाराज़ है, बस ये बात है। एहतियात करें घर पर। हाँ एहतियात करें घर पर रहें और अपने बच्चों की और अपने घर वालों की केयर करें, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ही है, हमारे लिए ही कर रही है हुकूमत, और किसके लिए कर। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था घर में डाउट, और जैसे कि मीडिया पर चल रहा है या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जो मामला चल रहे हैं, तो दिमाग में एक अजीब सी बात हो रही थी कि क्यों ना टेस्ट ही करा लिया जाए, तो ये डर था दिल में कि पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक स्टार्ट करी यहाँ तक पहुँचे और फ़ौरन से उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, कुछ चीज़ें पूछी तो बोला आपको कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है आप जा सकते हैं, तो मैं उन सब जो घर में बैठे हुए हैं जिनको ज़हनी तौर पर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें है या नहीं है, तो यहाँ आ जाएं आराम से SIUT में आ जाएं और वो सुकून से चेक करा लें, कोई मसला नहीं, होगा तो टेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो ये लोग बहुत अच्छे से सवाल जवाब करके आपको कहते हैं नहीं आपको नहीं है आप चले जाएँ, तो मैं उन लोगों के लिए दरख्वास्त करूँगा जो घर में बैठ के टेंशन का मरीज़ बन रहे हैं वो आके एक दफ़ा चेक करा लें यहाँ पर। दूसरा है कि आवाम घरों में नहीं बैठ रही, ठीक है बाहर निकले में हुकूमत सख्ती पर सख्ती कर रही है, 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कहेंगे। इटली देख लें, ईरान देख लें, अब अमेरिका भी देख लें, तो अब अगर अब भी ना समझेंगे तो फिर क्या किस तरह समझाएं, मकसद घर में बैठने से ही फ़ायदा है ना, क्योंकि ये 14 दिन का जो कह रहे हैं जाहिर सी बात हम अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, आप देखें हमारे एक नहीं 3-3, 4-4 शॉप्स हैं हमारी, लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ आज घर में ज़हनी तनाव का शिकार थे तो आज आ गए कि नहीं हम अपना टेस्ट करा लेते हैं ताकि कोई टेंशन ना, और वो भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको कोई ऐसा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया ना जहन, तो ये है कि घर में बैठे हैं, प्लीज़ घर में बैठे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है ये गलत नहीं कह रहे, वो पूरे मुल्क का सोच रहे हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, बाकी अल्लाह ताला उनके जहनों में वही चीज़ डाले जो पूरी आवाम के लिए बेहतर हो। मुझे तो तीसरे फेज से डर लगता है, मतलब आप देखें ना 1-2 महीने तो अब लोगों ने अपनी पेड लीव्स ले ली, छुट्टियाँ ले ली, उसके बाद क्या होगा? कि अगर हम 10 दिन भी या 15 दिन भी बिल्कुल सही तरीके से घर के अंदर बैठ जाते हैं, आप यकीन करें कि एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोगों को दुआएं भी हैं, हम उम्मत ही हैं उनके, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात तो जरूरी, अल्लाह ने हमें अक्ल तो दी है ना। ऑन दैट सबसे पहले तो ये है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है
फॉर डॉक्टर्स एंड स्टाफ वो नहीं अवेलेबल, मास्क नहीं अवेलेबल, एप्रन्स नहीं अवेलेबल. फिर दूसरी चीज़ ये है कि किट्स आर नॉट अवेलेबल. आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ नहीं रहा वायरस, लॉकडाउन से प्लेटू हो गया, लेकिन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू टेस्ट्स. हर आदमी का टेस्ट है ही नहीं. अब मैं जो अमेरिकन देख रहा हूँ कि क्रिटिकल मीन्स दोज पेशेंट्स हु गो ऑन. आते रहते हैं और फिर कुछ अरसे में लोग भी ट्यून हो जाते हैं और दवाइयां भी निकल आती हैं बन जाती हैं. तो ये जो पेंडेमिक है इसमें डर के घर बैठ जाना आई थिंक इज नॉट द सॉल्यूशन. मतलब आप अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें, आप अपने एहतियात करें, लोगों को अवेयर करें कि जिनको इस किस्म के सिम्टम्स हों उनको सेल्फ क्वारंटीन कर दें, या आपके घरों में जगह नहीं है तो गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर्स भेज दें और ये करें. आई मीन दिस इज़ समथिंग वी हैव टू लिव विद इट. फिर इसके तीन फेजेस होते हैं. एक फेज वो होता है कि जब बीमारी फैल रही होती है जिस फेज़ में हम हैं. दूसरा फेज़ होता है कि जब बीमारी अफेक्ट हो रही होती है और उससे हम लड़ रहे होते हैं. फिर तीसरा इसका रिहैबिलिटेशन फेज़ है. मुझे तो तीसरे फेज़ से डर लगता है. मतलब आप देखें ना, एक दो महीने तो अब लोगों ने अपनी पेड लीव्स ले ली, छुट्टियां ले ली, उसके बाद क्या होगा? अब कुछ गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ. बाद क्या होगा अगर आप छुट्टी पे नहीं देखें ना? प्राइवेट सेक्टर तो खुद डेली वेजेस पे ना किसी हम लोगों को तो पूरे महीने कलेक्ट करते हैं पैसे, फिर वेजेस देते हैं. अगर हम नहीं कलेक्ट करेंगे तो वेजेस कहाँ से देंगे? So we have to be very sensible. We should have. अब पॉलिटिशियन आके कोरोना के ऊपर बोल रहे हैं अभी, मतलब प्रैक्टिकल बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, स्टेक होल्डर्स को अपने उस पर लें. और अगर बीमारी आ जाती है खुदा ना खास, तो अगर सीरियस होती है तो देन दे मस्ट गो टू हॉस्पिटल्स. जी मैं टेस्ट करवाने के लिए आई थी क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है किसको है किसको नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा एक दो दिन के बाद शो हो रहा है. तो अभी जिस तरीके से हिजरत कॉलोनी में केस हुआ है, सदर का सुनने में आ रहा था हमारा बच्चों का साथ है. अभी तो हमने एक्टिविटीज़ भी स्टॉप की हुई और हम लोगों से भी यही कहा है कि ज़्यादातर आप लोग होम्स में रहें, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, डिटॉल्स यूज़ करें और अपना ख्याल रखें, हैंड वॉश करें. तो अभी तो हम यही कर रहे हैं, लेकिन एक डाउटफुल के एक खांसी भी अगर आ जाती है तो माइंडली तौर पर इंसान को यही डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं अल्लाह ना करे कोरोना है. तो वक्त पर अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. इसलिए SIUT के यहाँ पर ये सिस्टम रखा है इन्होंने कोरोना वायरस के लिए.
तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे किए हैं और ये कहा है कि आपका सुनने के बाद ये फील नहीं हो रहा है कि आपको कोरोना है, लेकिन आप एहतियात करें और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता एक दो दिन में अगर आपको ऐसा कुछ फील हो तो आप दोबारा हमसे आके रब्ता कर सकते हैं। लोग बहुत पुरसकून है, लोग डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिलीफ। घरों में नहीं बैठ रहे जी, हुकूमत सख्ती पे सख्ती कर रही है, समझा रही है, पुलिस रेंजर्स ट्रैफिक पुलिस सब खड़े हैं, आर्मी खड़ी हुई है, समझा रहे हैं घरों में रहें घरों में रहें, लेकिन लोग घरों में नहीं बैठ रहे, तो क्या लोगों को पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? देखें ये जो हुकूमत हमारे लिए कर रही है इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक बंदे को अगर लग रही है तो उसके साथ 250 बंदों को इसका इफेक्ट हो रहा है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए। अब जैसे बाहर मुल्क में हम पिक्चर्स देख रहे हैं तो हमें बहुत खुद को शेमफुल फील कर रहे हैं कि हमारी पब्लिक अपना ख्याल ही नहीं रख रही है और वो पिकनिक इंजॉय कर रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये हुकूमत जो भी कर रही है ये हमारे फ़ायदे के लिए। अगर हम 10 दिन भी या 15 दिन भी बिल्कुल सही तरीके से घर के अंदर बैठ जाते हैं, आप यकीन करें कि एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोगों को दुआएं भी हैं, हम उम्मती हैं उनके, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी, अल्लाह ने हमें अक्ल तो दी है ना, कि उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये आफत आपको दी है तो उसके लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी आवाम खुद का ख्याल कैसे रख सकती है, क्योंकि ये दी हुई ज़िंदगी अल्लाह की है, हमें उसका ख्याल ज़रूर करना है। जज़ाकअल्लाह। आप भी टेस्ट कराने के लिए आए थे? बिल्कुल आया था मैं। क्या परेशानी हो रही थी, क्या किस वजह से? मुझे 3-4 दिन से हल्का सा बुखार था और सर में दर्द था, आंखों में हल्की सी जलन थी, उसकी वजह से मैं आया हुआ था यहाँ। जी सर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको जरूरत नहीं टेस्ट की, बस यहाँ पे स्क्रीनिंग हो गई उन्होंने? हाँ, उन्होंने स्क्रीनिंग की और मेरा नाम वगैरह आई डी कार्ड नंबर वगैरह लिया है, नंबर लिया है, और बस मजीद ये मुझे दिया है इन्होंने कि आप ये इसकी जो भी है आप उस पर अमल करें। दूसरा ये कि आवाम जो है वो घरों में नहीं बैठ रही, हुकूमत समझा रही है अब 5 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, पहले 8 बजे बंद हो रही थी, सख्ती पे सख्ती हो रही है, लेकिन आवाम नहीं समझ रही, क्या कहेंगे? अल्लाह हिदायत दे उनको, हम तो कहते हैं हम भी बस मजबूरी की वजह से आए, हमने कहा कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, निकल आया हूँ अकेला हूँ, और आवाम को अल्लाह हिदायत दे और उनको सोचना चाहिए समझना चाहिए कि इतनी बड़ी मुसीबत है, पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया में है, कोई पाकिस्तान में नहीं है, लोगों को सोचना चाहिए, अल्लाह बेहतर। वाकई में ये बड़ा सख्त टाइम है, हमें सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज है वो है एहतियात, आप भी एहतियात करें, अपने अपने घरों में रहें, हाथ धोएं, ग्लव्स पहनें और कोशिश करें कि लोगों से डिस्टेंस रखें। इसी के साथ दें अवाम दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।